For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you. Tu hai mahaan, tu karta kud ka, tere jaisa koi nahi, tere jaisa koi nahi. Tu hai mahaan, tu karta kud ka, tere jaisa koi nahi. क्योंकि तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं. परमेश्वर का वचन कुछ ऐसे हमें वचन संहिता उसके 145वें अध्याय में बोलता है, लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे. लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा. आज आप जो भी इस जूम की मीटिंग के माध्यम से सुबह की यह चर्च सर्विस में ज्वाइन हुए हो, आप सभी को यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद करते हैं. अगर आपके जीवन में ऐसी कोई बातें हैं जो आप सोच रहे हो कि ये कैसे इसके इसका हल आएगा, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जैसे हमने पढ़ा कि यीशु मसीहा हमारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है. छोटी छोटी बातें तो भूल जाइए, मगर बड़े बड़े काम करने वाला वो यीशु मसीहा है, वो आपका और मेरा परमेश्वर है. तो हम उसकी स्तुति करना चाहते हैं इस समय. हालेलुया. जहां कहीं भी हो आप, अगर आप पॉसिबल है, अगर आप खड़े रह सकते हो तो आपकी जगह पर आप खड़े हो जाइए, अपने हाथों को फैलाइए और यीशु को बोलिए, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, क्योंकि तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं. हमारे हाथों ऊंचा कर, तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं. जीसस, हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. Arabada shanda la la kodoloro bada shandiri. Jesus, kyunki tu hai mahaan, tu karta adbhut kaam, tere jaisa koi nahi. Tere jaisa पता नहीं क्यों मैंने कुछ अलग तय किया था, मगर यीशु का जो आत्मा है आज मुझे बता रहा है कि आप में से कई लोग हैं जो 5 साल से 10 साल से किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. आप सोच रहे हैं कि मेरी इस परिस्थिति का हल कैसे निकलेगा. आप ये सोच रहे हो
कि मैंने इतनी प्रार्थना की है मगर इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला है, या तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला है, मगर आज आपके लिए एक खुशखबरी मैं बताना चाहता हूँ। आप पूरे दिल से यीशु की स्तुति कीजिए। ये जो गीत हम आखिरी दफा गाएंगे वो गीत आप में विश्वास उत्पन्न करने वाला है, और ये विश्वास वो शैतान की सारी ताकतें जिसने आपके जीवन में जिसने आपके प्रश्न को उत्तर में बदलने से रोक रखा है, आज उसका उत्तर मिलेगा। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने पूरी आत्मा से उसकी स्तुति कीजिए। आप पहाड़ की तरफ मत देखिए, आप पहाड़ को देखिए कितना बड़ा पहाड़ ये मत देखिए, ये देखिए कि आपका परमेश्वर कितना बड़ा है। वो बड़े बड़े काम करता है कि तू है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामयी है। यहोवा सभी के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरे सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बात करेंगे। हालेलुया, कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करें। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। Thank you, Jesus. मैं वापस आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि हम मीलों दूर एक दूजे से हैं। मैं मीलों दूर हूं, आप जहां कहीं भी है, शायद आप अपने कलेशिया के जो मेंबर से उससे भी दूर है, मगर हम जूम के माध्यम से आज, व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से आज हम परमेश्वर यीशु की स्तुति कर रहे हैं। मगर एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो भले हमें शायद साथ में इकट्ठा कर रही है, हम एक दूसरे को शायद देख रहे हैं, मैं गा रहा हूं, आप सुन रहे हो, आप अपने घरों में भी स्तुति कर रहे हो, मगर ये टेक्नोलॉजी भले हमें एक दूसरे से मिला रही है, मगर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें सही मायने में कोई मिला रहा है तो वो परमेश्वर यीशु की आत्मा है। क्योंकि आप सभी, मैं, हम सभी जो यीशु मसीह में है वो एक कलीसिया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब यीशु का शरीर है, हम उसकी कलीसिया है, और कलीसिया में यीशु की आत्मा है, और सारे लोग आप जो भी है जो परमेश्वर के वचन को आज सुन रहे, स्तुति कर रहे, मैं, हम एक ही आत्मा से बपतिस्मा पाए हुए हैं, और वो ही आत्मा जो आप में है यीशु मसीह की वो मेरे में है। हम भले दूर हो मगर ये आत्मा हमें एक कर रही है, और उसी की वजह से आज हम साथ में मिलके परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। क्योंकि जब हम साथ में स्तुति कर रहे हैं, जब हम साथ में परमेश्वर के नाम का ऊंचा कर रहे हैं, तब क्या होता है कि ये आत्मा जो हम में है वो भी हमको एकजुट कर रही है और परमेश्वर की स्तुति कर रही है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। अगर आप बाइबल में देखोगे, खास करके भजन संहिता में,
तो स्तुति के लिए कई शब्द का प्रयोग किया हुआ है। कई जगह पर स्तुति को ताली बजाना, उसको स्तुति करते हैं। कई जगह पर नाचना और गाना, उसको स्तुति, ये शब्द ट्रांसलेट किया हुआ है। कई जगह आप जोर से चिल्लाते हो, हालेलुया, धन्यवाद, उसको स्तुति किया गया है। और अगर आपको जान के ये शायद ताज्जुब होगा कि जो शब्द हम हालेलुया कहते हैं, उसको हिब्रू में हलाल में से वो शब्द आया है। वो उसका मतलब है पागलों की तरह स्तुति करना, पागलों की तरह यीशु के नाम को धन्यवाद करना, उसको स्तुति करा शब्द ट्रांसलेट किया हुआ है। तो ये जब हम गाना गा रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि मैं मेरे घर में हूँ, मेरा दोस्त वहाँ पर है, पास्टर साहब यहाँ पर है। नहीं, हम एक स्पिरिट में है, हम एक आत्मा में है, और जब हम साथ आत्मा में करेंगे तब परमेश्वर की स्तुति होगी, हालेलुया, धन्यवाद। और हम जैसे भी जहाँ कहीं भी है, जब हम नाचेंगे, स्तुति गाएंगे, जोर से चिल्लाएंगे, तो उसका मतलब भी स्तुति करना ही है। ये जो शायद आधा घंटा 45-40 मिनट हमारे पास है, केवल वो ही नहीं, मगर हम घर ये जो चर्च सर्विस खत्म हो जाएगी, उसके बाद में भी हम जहाँ अगर कहाँ बाहर जाएंगे, मगर हम हमारे आत्मा में जब हम यीशु मसीह का धन्यवाद करते जाएंगे, बोलते जाएंगे यीशु कितना अच्छा है, वो भी स्तुति है। तो मैं आपको आज आह्वान देना चाहता हूँ कि आपकी स्तुति ये आधे घंटे तक या 40 मिनट या 45 मिनट तक ही सीमित ना रहे, मगर आपकी स्तुति ये चर्च सर्विस के बाद भी निरंतर चालू रहे, ये मैं आज आपको आह्वान देता हूँ। तो आइए हम जहाँ कहीं भी है, अगर परमेश्वर की आत्मा आपको ताली बजाने का बोल रही है, तो आप ताली बजा के यीशु की स्तुति करिए। अगर परमेश्वर की आत्मा आपको बोलती है कि आपका हाथ उठाए, तो आप हाथ उठाकर स्तुति करिए। भले आप अपने घर में हो, मगर मैं आपको कहना चाहता हूँ, सारी चीजें अगर हो सके तो आप उसे बाजू में कर दीजिए। यही सोचिए कि आप चर्च सर्विस में बैठे हुए हैं, आपके इर्द गिर्द परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के संतान बैठे हुए हैं, उसी तरह आप परमेश्वर की स्तुति में चालू हो जाइए। और आज हम अद्भुत कार्य देखने वाले हैं, क्योंकि जहां परमेश्वर यीशु की आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है, वहां परमेश्वर का अभिषेक होता है, और वहां अद्भुत काम होते हैं, हालेलुया। तो आइए हम यीशु मसीह की स्तुति में आगे बढ़े और उसके नाम को जय जय करें। बोलो जय, मिलकर जय, हालेलुया। थैंक यू जीसस, राजा यीशु, हालेलुया। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। थैंक यू लॉर्ड, प्रेम की तेरी यही री, मन में भर दे अपनी प्री, प्रेम की तेरी यही री, मन में भर दे अपनी प्री, तेरे प्रेम के गाए गीत, हालेलुया, तेरे प्रेम के गाए गीत, बोलो जय कर जय, बोलो जय यीशु के जय, बोलो जय कर जय, बोलो जय यीशु के जय, बोलो जय जय जय, हालेलुया हालेलुया। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा, क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा, मन मोरे तू बोल सदा, हालेलुया, मन मोरे तू बोल सदा, बोलो जय कर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय कर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, ओ
करने वाले लहू की जय, छुटकारा देने
हटाने वाले लहू की जय, सामर्थ्य बनाने वाले लहू की जय, निर्बलता हटाने वाले लहू की जय, सामर्थ्य बनाने वाले लहू की जय, लहू की जय, हो 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 लहू की जय, लहू की जय, हो 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 लहू की जय, कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के ये की जय, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। पापों को धोने वाले लहू की जय, परिशुद्ध करने वाले लहू की जय, श्रापों को हटाने वाले लहू की जय, समाधान करने वाले लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, दुष्टात्मा भगाने वाले लहू की जय, सदा आनंद देने वाले लहू की जय, अधिकार देने वाले लहू की जय, अद्भुत काम करने वाले लहू की जय, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, लो 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 लो, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यूं कहता है, रूमियों के पत्र में बोलता है कि पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, वो मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। आप और मैं, जब हमारा उद्धार नहीं हुआ था, जब हम पाप में थे, जब पिता हमें देखता था तो वो हमें बोलता था ये पापी है। उस समय के बाद जब हमारा उद्धार हुआ, तो परमेश्वर का वचन यूं बोलता है कि यीशु के लहू के द्वारा हमारा मेल पिता से हो गया। हमारा मेल पिता से इसलिए नहीं हुआ कि मैं बहुत अच्छा हूं, या मैं हर रोज चर्च जाता हूं, या मैंने चंगाई पाई है, या तो मैं बहुत अच्छी जॉब करता हूं और ज्यादा पैसे बनाता हूं, उससे मेरा उद्धार नहीं हुआ है, उससे मेरा उद्धार नहीं हुआ है, या मैं अच्छे अच्छे कार्य करता हूं, उससे मेरा उद्धार नहीं हुआ है। परम परमेश्वर का वचन इब्रानियों में ऐसा बोलता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों के चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हमारा छुटकारा चांदी सोना और उस तरह के सारे मूल्यवान वस्तु जो है, उससे हमारा उद्धार नहीं हुआ है। परम परमेश्वर का वचन हमें बोलता है कि हमारा उद्धार ऐसा हुआ है पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया, हमारा उद्धार बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया, हमारा उद्धार हम अच्छे हैं उसके लिए नहीं हुआ, हम चर्च जाते हैं, सही बोलते हैं, ज्यादा गाना गाते हैं, उससे नहीं हुआ है, पर हमारा उद्धार बहुमूल्य निर्दोष यीशु मसीह मेमने के रक्त के द्वारा हुआ है। हालेलुया, और उस रक्त से ही हमें माफी मिली है, और उस रक्त के लिए से ही
हमारा मेल पिता से हुआ है। हालेलुया। आज मैं आपको बोलता हूँ, जैसे हमने गीत गाया कि हमें अधिकार मिला है, इफिसियों के पत्र में लिखा है कि हमें अधिकार दिया गया है, हम मसीह यीशु में जीवित किए गए हैं, और जहाँ यीशु मसीह बैठे हुए हैं वो स्वर्गीय स्थानों में, तुम्हारा और मेरा जगह है वो स्वर्गीय स्थानों में है। हमारा जो पोजीशन है, हम जहाँ पर बैठे हुए हैं वो स्वर्गीय स्थान में है। हमारा अधिकार यीशु मसीह के साथ है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारा छुटकारा उनके खुद के लहू के द्वारा किया है। हालेलुया, धन्यवाद करें। आप जहां कहीं भी हो यीशु मसीह का धन्यवाद करिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। ला 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 रे 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 यीशु। Jesus,
जीजस जीजस सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती घोड़ों और रथों से भी यीशु का खून कीमती रिश्तों नातों से भी यीशु का खून कीमती जिंदा लहू जिंदा लहू देता है हमको बना वसीले हो गए पाप क्षमा तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा हालेलुया जिंदा लहू जिंदा लहू जिंदा लहू देता है हमको पनाह हालेलुया आइए हम जहां कहीं भी है हमारी आंखें हम बंद करें अगर परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई कर रही है तो आप अपनी आंखें बंद कीजिए हालेलुया हालेलुया परमेश्वर का वचन इब्रानियों के पत्र में ऐसा लिखा हुआ है और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्नान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों में कार्यों से शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो भाइयों और बहनों जब हम पापी ही थे जब हमारा उद्धार नहीं हुआ था जब हम हमारे कार्यों पर विश्वास करते थे कई लोग शायद अपने आप को दुख पहुंचाकर शायद अपने शरीर को दुख पहुंचाकर ऐसा सोचते थे कि मैं उद्धार प्राप्त करूंगी या करूंगा या कहीं लोग अपने आप को दुख में से पसार करके सोचते थे कि मैं उद्धार पाऊंगा या कहीं लोग अच्छे कार्यों से सोच रहे थे कि मेरा उद्धार होगा पर परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है यहां पर कि यीशु मसीह एक बार अपने लहू के द्वारा वो परम पवित्र स्थान जो इस पृथ्वी का नहीं है मर्ग स्वर्ग में है वो परम पवित्र स्थान में अपने है लहू के द्वारा यीशु मसीह आए और उसने उस लहू को हमारे लिए आपके लिए चढ़ा दिया क्या कि हमारा उद्धार होने पाए हालेलुया क्योंकि हम यीशु मसीह की सेवा करने पाए सेवा करने का मतलब है कि हम यीशु के लिए अच्छे कार्य करने पाए बकरों
और बछड़ों के लहू से हमारा उद्धार नहीं हुआ है, हालेलुया, मगर यीशु मसीह जो बेदाग मेमना है उससे हमारा उद्धार हुआ है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी हड्डियों में जान नहीं है, अगर आप दुखी है, अगर आपने कई समय पसार कर दिया है, आप सोच रहे हो मैं शायद सुस्त हो गया हूं मेरे आत्मिक जीवन में, एक की एक बात मेरे जीवन में आ रही है, मैं सुस्त हो गया हूं, मैं क्या करूं, शायद आप बीमारी से जूझ रहे हैं, शायद आप अपनी बेटी की शादी के लिए चिंता कर रहे हैं, शायद ऐसा कोई है जिसे बेटे के दान प्राप्त करने के लिए चिंता कर रही है, शायद ऐसे कोई माँ बाप है जो अपने बेटे को सही रास्ते पे लाने के लिए चिंता कर रही है। मैं आज आपको उत्तेजन देना चाहता हूं कि यीशु मसीह का लहू सारे शैतान के कार्यों पर विजय हुआ है। वो लहू हमें जीवन देता है, वो लहू के द्वारा ही हम परमपिता के पास जा सकते हैं और कह सकते हैं, पिता आपने यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया और यीशु मसीह ने अपना लहू मेरे लिए बहा दिया, आपको धन्यवाद करते हैं, मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे बेटी को बचा लीजिए, शैतान ने जो भी आशीष से मेरे जीवन में रोक रखी है उसे इस लहू के सामर्थ में दूर होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हड्डियों में जान जो न हो, यीशु का खून मांग ले, अगर आपके शरीर में जान नहीं है इसका मतलब आप किसी वस्तु से बहुत परेशान है, ओ दाबा दाला ला हो शोदोरिया बालांदरे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हड्डियों में जान जो न हो, यीशु का खून मांग ले, दर्द बयां जो न हो, यीशु का खून मांग ले, जीसस, जीसस, हालेलुया, हालेलुया। दिल को सुकून जो न हो, यीशु का खून मांग ले, दिल को सुकून जो न हो, यीशु का खून मांग ले, बहता लहू, बहता लहू देता है हमको शिफा, शिफा याने हीलिंग, शिफा याने छुटकारा, शिफा याने चंगाई, हालेलुया। बहता लहू वही यीशु का लहू जो 2000 साल पहले क्रूस से बहा, वही आज भी उस रक्त में सामर्थ्य है, लहू में सामर्थ्य है हमारी हड्डियों में जान डालने के लिए, हमारे बेचैन मन को सुकून देने के लिए। हम में कुछ ताकत नहीं है, यीशु का लहू आज भी पुकारता है, हालेलुया। आखिर बार हम गाएंगे और उसके बाद हम दुआ करेंगे, हालेलुया। यीशु मसीह को पुकारे, उसके लहू के सामर्थ्य पर भरोसा रखिए, आप अपने कार्यों पर विश्वास मत करो, यीशु मसीह आपके लिए क्या कर सकता है, उसके लहू के सामर्थ्य में क्या हो सकता है, उस पर भरोसा कीजिए, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जो कार्य है शायद हमें धोखा दे सकते हैं, मगर यीशु मसीह का लहू जो 2000 साल पहले जो ताकत थी उसमें आज भी है, हालेलुया, 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 हालेलुया। हड्डियों में जान जो न हो, यीशु का खून मांग ले,
दर्द बया जो न हो, यीशु का खून मांग ले, दिल को सुकून जो न हो, यीशु का खून मांग ले, परमेश्वर मन नहीं करता पिताजी हम इस समय को रोकने, मगर समय हमें इजाजत नहीं देता राजा, पर आप हमारे दिल को जानते हो। आपके बेटे बेटियां इस समय अपने घरों में से, अपनी जगहों से आपकी जो आराधना स्तुति कर रहे हैं, आप उन्हें जानते हो। आपके लहू के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, हम मांगते हैं आज आपकी लहू की सामर्थ्य इस सारे बेटे बेटियों के जीवन से, उनके शरीर से बहने पाए। सारी बेचैनियां सारी बीमारियों, सारे दुष्टात्मा के बंधन से आज उनके छुटकारा होने करने पाए यीशु मसीह के नाम में। या हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारी गंदगी आज बहने पाए इस लहू के सामर्थ से, उनके जीवन से। शायद कई लोग हैं जो अपने आप को ऐसा सोचते हैं, मैं बहुत अच्छी हूं, मैं अच्छा हूं, मैं यह सोच रहा हूं मैं बहुत अच्छा हूं। अगर मेरे जीवन में गुस्सा है, अगर मेरे जीवन में कुछ खराब स्वभाव है, आज वो लहू के सामर्थ में बहने पाए। कोई बीमारी है तो आज लहू के सामर्थ में दूर होने पाए। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। हालेलुया 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 ले 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 ओ शेदरे मदे। थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज योर नेम गॉड। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने आज हमें दिया है। आपके बेटे के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह के वजह से आज हम आपके आपके सामने आ सकते हैं, हमारे घुटने टिका सकते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू फादर, हालेलुया। आपको सारा मान महिमा आदर मिलने पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू गॉड, थैंक यू फादर। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना कर मांगते हैं। आमीन 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 आमीन।